टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में T20 सीरीज और वनडे सीरीज खेली है। भले ही वनडे सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन टीम इंडिया वापसी करना जानती है और वो आने वाले सीरीज में कमबैक जरूर करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया का अगला सीरीज किससे है और कब है। तो चलिए आपको टीम इंडिया के नए असाइनमेंट के बारे में बताते हैं और बताएंगे कि टीम इंडिया के आने वाले सीरीज कब और किस टीम से है। भारतीय टीम अभी ब्रेक पर है, लेकिन टीम आने वाले समय में बहुत बिजी रहने वाली है। भारतीय खिलाड़ी 19 सितंबर से एक्शन में नजर आएंगे। टीम इंडिया की अगली सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ है। टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और भारत में ही ये सीरीज खेली जाएगी। दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मैच भी होंगे। टेस्ट सीरीज 19 सितंबर से 1 अक्टूबर और T20 सीरीज 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज का शेड्यूल, पहला टेस्ट चेन्नई में 19 से 23 सितंबर तक होगा। दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा। वही T20 की बात करें तो T20 सीरीज का पहला मैच धर्मशाला में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच दिल्ली में 9 अक्टूबर को और तीसरा T20 मैच हैदराबाद में 12 अक्टूबर को खेला जाएगा। बांग्लादेश के बाद भारत का अगला सामना न्यूजीलैंड की टीम से होगा। न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी और यहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। न्यूजीलैंड के भारत दौरे का आगाज 16 अक्टूबर से होगा और आखिरी टेस्ट मैच 1 नवंबर से शुरू होगा। इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में 16 से 20 अक्टूबर तक खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच पुणे में 24 से 28 अक्टूबर तक खेला जाएगा, तीसरा टेस्ट मैच मुंबई में 1 से 5 नवंबर तक होगा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से होम सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया अफ्रीका दौरे पर जाएगी और टीम को वहां 4 T20 मैच खेलने हैं। ये सीरीज 8 नवंबर से शुरू होगी और आखिरी मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा। इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला T20 मैच डरबन में 8 नवंबर को खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच गकबेरहा में 10 नवंबर को खेला जाएगा, तीसरा T20 मैच सेंचुरियन में 13 नवंबर को होगा, चौथा और आखिरी T20 मैच जोहान्सबर्ग में 15 नवंबर को खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती होगी और वो चुनौती है ऑस्ट्रेलिया टीम की। टीम इंडिया साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। दोनों टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें डे नाइट टेस्ट के साथ कुल 5 टेस्ट मैच होंगे। इस सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर से होगी, जो अगले साल की शुरुआत तक खेली जाएगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट मैच पर्थ में 22 नवंबर से 26 नवंबर तक खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा, तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा, चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगा। वही सीरीज का पांचवा और अंतिम टेस्ट मैच सिडनी में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खेला जाएगा। टीम इंडिया भले ही अभी ब्रेक पर है, पर साल 2024 में टीम इंडिया के सामने बड़ी बड़ी टीमों की चुनौती होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या टीम इंडिया नए कोच गौतम गंभीर के अंडर अपना दमखम दिखा पाती है या नहीं।